आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो कोलेजन ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ। एक मैं आप लोगों के साथ कोलेजन स्मूदी शेयर करूंगी और जो दूसरा होगा वो होगा कोलेजन जूस। और ये जो कोलेजन स्मूदी और कोलेजन जूस है ना, ये आपकी बॉडी में आपके अंदर जाके कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करेंगे, जिससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा यूथफुल और ग्लोइंग होगी। और साथ ही साथ जो कोलेजन होता है ना, वो ना सिर्फ हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है बल्कि हमारे बालों के लिए भी बहुत जरूरी होता है, और साथ ही साथ हमारे बोन्स के लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो कोलेजन होता है ना, वो एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि हमारे बालों में भी मौजूद होता है, हमारी स्किन के लिए भी बहुत जरूरी होता है और हमारे बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये जो है कोलेजन ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि जब बॉडी में ना कोलेजन प्रोडक्शन कम होने लगता है तो आपकी स्किन पे एजिंग की साइंस दिखने लगती है, आपके चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं, आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल होने लगती है। क्योंकि जैसे जैसे कोलेजन कम होता है ना, स्किन का जो ग्लो होता है वो भी कम होता जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये ड्रिंक लेके आई हूँ। ये आपके शरीर के अंदर ना कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करेंगे और आपकी स्किन पे बहुत सारे पॉजिटिव डिफरेंस मिलेंगे, और साथ ही साथ आपके जो बाल है ना वो भी हेल्दी होंगे इस ड्रिंक को पीने से। क्योंकि कोलेजन आपके बालों के लिए भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि आपकी स्किन के लिए जरूरी होता है। लेकिन जब कोलेजन की बात आती है तो हम लोग ऐसा लगता है कि सिर्फ स्किन के लिए ही जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोलेजन आपके स्किन के लिए बहुत जरूरी है, आपके बालों के लिए और आपके बोन्स के लिए बहुत जरूरी होता है। और ये जो कोलेजन स्मूदी और कोलेजन जूस बनाने के लिए इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी ना, वो बहुत ही आराम से आपको कहीं भी मिल जाएगा, बहुत ही इजीली मिल जाएगा। इसके लिए आपको वरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस तरीके की बहुत हेल्दी हेल्दी रेसिपीज मैं अपने चैनल पे लेके आती हूँ, जो कि आपको इंटरनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। और उसके साथ साथ मैं बहुत सारी हेयर केयर, मेकअप रिलेटेड और स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूँ, जो कि नो डाउट आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो अगर आपको इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस देखनी है ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और हाँ, प्लीज मेरी वीडियो पे ना लाइक जरूर करेगा। और अब चलिए बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो इस स्मूदी को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है कैरेट यानी गाजर। यहाँ पे मैंने एक गाजर लिया हुआ है, इसको फाइनली चॉप कर लूंगी मैं। गाजर के अंदर बीटा कैरेटीन होता है, जो आपकी बॉडी में जब जाता है तो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ इसके अंदर बायोटिन बहुत ज्यादा होता है, जो आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। और साथ ही साथ इसके अंदर ना बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है, जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। और साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन K1 होता है और विटामिन B6 होता है, जो आपके स्किन और आपके बोन के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक एप्पल लिया है मैंने, एप्पल में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, पोटेशियम होता है, विटामिन के होता है, और साथ ही साथ इसके अंदर और इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही अगर आप वेट लॉस करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। और साथ ही इसके अंदर विटामिन ए भी होता है, जो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा ऑरेंज। मैंने यहाँ पे एक ऑरेंज लिया है, ऑरेंज के अंदर बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत ज्यादा विटामिन ए भी होता है, जो आपके आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है और आपको एंटी एजिंग इफेक्ट देता है। आपको मतलब कि प्रीमेच्योर एजिंग तो होगी ही नहीं, साथ ही आपको एंटी एजिंग वाला इफेक्ट भी मिलने वाला है। तो इसलिए मैं अच्छे से इसको भी निकाल दूंगी ऑरेंज को। और इसका बीज जो है ना, ऑरेंज में बीज होता है ना, तो बीज भी मैं ऐसे बीच में से फाड़ के निकाल लूंगी, अदरवाइज बीज का टेस्ट जो होता है ना वो कड़वा आ जाता है। और साथ ही साथ इस स्मूदी को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, सारे के सारे इंग्रेडिएंट जब आपकी बॉडी में जाते हैं ना, तो कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देते हैं, कोलेजन का लेवल जो है ना काफी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज्यादा फ्लॉलेस हो जाती है। इन सब सारी चीजों के अंदर ना फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए कभी कभी ना आपको जूस पीने के साथ साथ स्मूदी भी पीना चाहिए, ताकि आपको फाइबर भी मिल जाए और आपको ज्यादा फायदा मिले। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी वो सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं। इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी, फिर उसके बाद इसको अच्छे से एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लूंगी, स्मूदी बना लूंगी एकदम अच्छी वाली। और ये जो है ना वो टेस्ट में इतनी ज्यादा, मतलब ये जो है स्मूदी वो टेस्ट में इतनी ज्यादा अच्छी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपको बहुत ही टेस्टी लगने वाली है ये स्मूदी, स्पेशली बहुत टेस्टी लगने वाली है। और आप इसको आराम से डेली के डेली पी सकते हो, और इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज्ड है वो भी आपको आराम से मिल जाएंगे। एप्पल, ऑरेंजेस तो हर जगह मिलते हैं, और थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लेंगे ना आप अपने हेल्थ में तो वो बहुत ही अच्छा होता है। बीमार पड़ोगे आप तो फिर डॉक्टर के पास जाके कितना सारा पैसा वेस्ट होता है ना, आपकी हेल्थ भी खराब हो जाती है, पैसा भी लग जाता है। तो आप पहले से ही अपने हेल्थ का ध्यान रखो तो कितना अच्छा होगा। और जो दूसरा है वो है जूस, और ये जो जूस बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है।
ऑरेंज को दो पार्ट में आप काट लीजिए, जैसे मैंने देखा आपने यहाँ पे काटा हुआ है। अब मुझे क्या करना है कि ये नींबू निचोड़ने वाला आता है ना, उसमें मैं इसको अच्छे से इसका जूस निकाल लूंगी, ठीक है। आप देखिएगा इससे ना जूस बहुत अच्छे से निकल जाता है, आप देखिएगा। मैं छिलका दिखाऊंगी, दिखा रही हूँ ना अभी आप लोगों को, इसमें कुछ भी नहीं है, जितना भी ऑरेंज था, ऑरेंज का जूस था ना, वो सारा कुछ इसमें निकल गया है। और ऑरेंजेस ना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसके अंदर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट बहुत भरपूर मात्रा में होता है, जो आपके स्किन के लिए बहुत ही अमेजिंग होता है। और यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही ऑरेंज लेना है, ज़्यादा ऑरेंज की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ऑरेंज लेना है आपको। उसका जूस मैंने एक कप में निकाल लिया। अब ये है कोलेजन पाउडर, ये घर पे ही मैंने बनाया है, इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने YouTube चैनल पर शेयर की है। आप कोलेजन पाउडर बाय गरिमा सिंह अगर सर्च करेंगे ना, तो आपको आराम से YouTube पे मिल जाएगी। तो देख रहे हैं ना आप, ये कोलेजन पाउडर मैं एक चम्मच लूंगी और उसको ये ऑरेंज जूस में मिक्स कर लूंगी, ऐसे ऐसे चला लूंगी, ठीक है। अब इसको आपको पी जाना है। देखिए ये जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इफेक्टिव है। मतलब इसमें जो दूसरा वाला तरीका है उसमें मैंने कोलेजन पाउडर का इस्तेमाल किया है। कोलेजन पाउडर में भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो आपको चाहिए होंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं स्मूदी पी रही हूँ। अब ये जो स्मूदी है इतनी टेस्टी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। साथ ही साथ ये जो स्मूदी है आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। जो जूस है वो भी बहुत अच्छा है, आप पी के देखिए आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी, और साथ ही साथ आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं ना, तो वो भी खत्म हो जाएंगे, और साथ ही आपके बाल भी बहुत हेल्दी होंगे इसको पीने से। ये जो कोलेजन स्मूदी और कोलेजन जूस है ना, ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस है और उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी है। तो इसके अंदर ना बहुत सारा विटामिन सी है, विटामिन ए है, आयरन है, और इसके साथ साथ इसके अंदर ना बहुत इसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो आपकी स्किन के लिए चाहिए होते हैं, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए चाहिए होते हैं, यूथफुल बनाने के लिए चाहिए होते हैं, क्लीन क्लियर एंड ग्लोइंग बनाने के लिए चाहिए होते हैं, साथ ही आपके बालों के लिए ये सारे पोषक तत्व बहुत जरूरी होते हैं। अच्छा, इसमें जो मैंने आप लोगों को कोलेजन स्मूदी बनाई है ना, उसकी सबसे खास बात यह है ना कि उसके अंदर सारे के सारे फाइबर्स भी हैं, उसको मैंने स्ट्रेन नहीं किया है, तो उसके अंदर सारे के सारे फाइबर्स भी मौजूद हैं जो आपको मिलेंगे, और साथ ही फाइबर जो होते हैं ना वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप ऐसा करिएगा ना कि एक दिन आप कोलेजन स्मूदी पीजिएगा, और जो दूसरा दिन होगा उस दिन आप कोलेजन जूस पी लीजिएगा। और इस कोलेजन जूस में मैंने जो कोलेजन पाउडर मिलाया है उसकी रेसिपी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की है, तो आप जाके चेक भी कर सकते हैं। ये जो कोलेजन स्मूदी और कोलेजन जूस है ना, इसको आप अपने बच्चे को भी दे सकते हैं, अगर आपके बच्चे की एज 3-4 साल से ज्यादा है। और साथ ही साथ मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी जब भी कोई भी चीज आप देते हैं ना, तो उसमें देख लीजिए कि कोई एलर्जिक इंग्रेडिएंट तो नहीं है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों से एलर्जी होती है, तो आप उसको जरूर चेक किया करिए, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पे लेके आती रहती हूँ, जो कि नो डाउट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी आपके लिए, क्योंकि मैं ना बहुत सारी हेल्दी हेल्दी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि स्पेशली आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोज देखनी है ना, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर दे दिया करिए, और जितने लोगों में मेरी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ना, प्लीज शेयर जरूर करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय and stay happy.